हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत से रोज़ के फ्लावर के साथ साथ मैं आशा करती हूँ आप सभी का होली का फेस्टिवल बहुत ही खूबसूरत हुआ होगा। रंग बहुत खुशियों के रंग लेकर आया होगा। और ये देखिए, हमारे गार्डन में रोज़ फ्लावर कितने सुंदर ब्लूम हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, होली के फेस्टिवल में हमारे यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ आई होंगी और इस तरह के डब्बे भी। तो वी वेन स्पेस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हुए करते हैं कुछ क्रिएटिविटी इन्हीं डब्बों से। तो इस डब्बे को बिल्कुल कबाड़ समझकर मत फेंकिए, इसमें बस पीछे थोड़ा होल करिए और इसको थोड़ा पेंट कर दीजिए। आप फैब्रिक या इनेमल किसी भी पेंट से पेंट कर सकते हैं। और बस इसमें भरिए थोड़ी सी गार्डन सोयल या फिर कोको पिट हो तो बहुत ही अच्छा है। इस टाइम मेरे पास कोको पिट नहीं थी तो मैंने गार्डन सोयल ही डाली है। और बस छोटी छोटी कटिंग्स अपनी गार्डन से लेकर, या आपके पास गार्डन नहीं है तो कहीं से भी छोटी छोटी कटिंग लेकर आप इसको बस इसमें लगा दीजिए। और देखिए, इस तरह से मैंने छोटी सी बॉटल भी बीच में कट करके लगाई है और इसमें मैं लगा रही हूँ कोलियस और सिंगोनियम। तो आप इस तरह से अपने मनपसंद छोटे छोटे से प्लांट्स के कटिंग लगाकर बस इसमें वाटरिंग कर दीजिए और इसको आप चाहें तो रस्सी से हैंग कर लीजिए अपनी बालकनी डेकोर करने के लिए, या फिर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। और इसमें मैंने छोटे छोटे से ये वाइट कलर के स्टोन रखे हुए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा है। आप चाहें तो छोटे छोटे और भी मार्बल्स इसमें रख सकते हैं कलरफुल। और इसको आप चाहे तो हैंग करिए और चाहे तो इसको रखिए। तो आप इस तरह से 5-6 डिब्बे, जितने भी डब्बे हैं, इस तरह से आप बनाकर इसको अपने बालकनी को डेकोर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बिल्कुल फ्री में प्लांटर तैयार कर सकते हो, हैंगिंग प्लांटर तैयार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग, हैप्पी क्रिएटिविटी।